इस समय मैं पंछी पेटा की दुकान पर खड़ा हूँ और यहाँ ये शॉप में इनकी पैकिंग आप देख सकते हैं, पेठे की और नमकीन की पैकिंग है और इसके ऊपर कुछ भी लेबल नहीं है, ना वेट भी नहीं है इनका। ये जो पैकेट है ये देखिए, दाल मोट का पैकेट है और इस पर ना वेट है, ना MRP है और ना कोई एड्रेस है, ना कोई लाइसेंस नंबर है। इतना बड़ा ब्रांड किस प्रकार से ये इतना सारी चीज़ें बेच रहा है ये देखिए। इतने बड़े बड़े होल्डिंग लगा रखे हैं यहाँ सड़क पर, जहाँ भी देखेंगे आप। ये पहली बार कोई ऐसा ब्रांड देख रहे हैं जिसमें बिना किसी लेबल के, बिना किसी शायद लाइसेंस के, ये लग नहीं रहा कि ये पंछी बैठे वालों का है, ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए जी, तू भाई मुझे वापस करके तू पैसे वापस दे। हमने ये ले लिया था और लेने के बाद इसको हमने वापस किया, अभी कारण आप सबको भी समझ में आ गया होगा। बिल बुक भी नहीं है ना, कोई बिल भी नहीं देते? कहाँ है बिल भी दिखाओ। हमारे पास आता है बिल, कहाँ बिल कौन सा आता है? आप बिल किसी को कैसे देंगे? ऐसा थोड़ी इतनी काम थोड़ी चलता है भैया, इतना एक आध किलो पेटी की सेल होते है, थोड़ी कुंटल कुंटल हो रहा है। अरे चाहे 100 ग्राम बेचो, मेरे मालिक साहब जब 1000 रुपए की सेल हो रही है, 1000 रुपए सेल में कैसे हो जाएगा? नहीं, तुम्हारे पास कौन सा बिल आता है इनका? अरे वही तो कह रहा हूँ, ये नकली है ना इसका मतलब। ये देखो अभी YouTube पे चला जाएगा। ये कौन सी जगह है ये? अब कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखो एड्रेस, पानी गाँव, कौन सा जिला? जिला मथुरा। मथुरा में ही पानी गांव में देखिए जी कितनी बड़ी दुकान है। इधर भी एक पंछी वाला है, उसे भी पूछे आइए, उधर भी पंछी वाले इस रोड पे 100 हैं। ठीक है जी, चलिए आज यही काम करते हैं सभी पंछी।